नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे सिने ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर का एंड होने वाला है और नया साल आने वाला है। नए साल आने से पहले हर इंसान ये जानना चाहता है कि उसका आने वाला साल किस प्रकार से होगा, क्या उसको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसको निराशा ही हाथ लगेगी। इन सभी के बारे में हर इंसान जानने को इच्छुक रहता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी राशि का संपूर्ण हाल बताने जा रहा हूं। मैं आपकी राशि का जो भविष्यफल है वो सात बिंदुओं पर बताने वाला हूं, मतलब वो सात बिंदु जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, उन बिंदुओं पर हम आपकी राशि को परखेंगे। जैसे स्वास्थ्य, धन संपत्ति, व्यवसाय, प्रेम और रोमांस, पारिवारिक संबंध और आखिरी में जानेंगे उपाय। तो इन सात बिंदुओं पर आपकी राशि के हाल में आपको बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि इन छह बिंदुओं पर किस प्रकार से बिहेव करेगी, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं मेष राशि की। चलिए हम पहले मेष राशि का संपूर्ण हाल जान लेते हैं। इस वर्ष मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वर्ष कुंडली में भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, गुरु, शनि और केतु की युति होने के कारण आपके भाग्य में अत्यधिक वृद्धि होगी। हेल्थ से लेकर वेल्थ तक आप अपनी स्थिति काफी बेहतर देख सकते हैं। हालांकि राशि के स्वामी मंगल वर्ष के शुरुआत में आपको फिटनेस पर ध्यान देने के संकेत कर रहे हैं। इस वर्ष आप छोटी छोटी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। जो लोग रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, पुरातत्व, ज्योतिष, वास्तु, रिसर्च और विज्ञान आदि के क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपकी कुंडली में लाभ स्थान में चंद्रमा होने के कारण आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। साथ ही आपको अपने घर का सुख भी मिल सकता है, मतलब आपका खुद का घर भी बन सकता है। 24 जनवरी को शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आपके पिता के साथ संबंधों में मतभेद बढ़ सकते हैं। साथ ही कुछ समय के लिए आपके कामकाज में भी बाधाएं आ सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। 11 मई को शनि बकरी होने के कारण अचानक से कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना बन सकती है, मतलब आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। इसके पश्चात 14 मई को गुरु भी बकरी हो जाएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय आपके अधूरे कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर कोई कन्फ्यूजन चल रहा है वो भी इस समय दूर हो जाएगा। 23 सितंबर के बाद आप किसी पारिवारिक विवाद में फंस सकते हैं, परिवारजनों के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही धन संपदा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसी समय केतु के अष्टम भाव में आने के कारण अचानक धन लाभ, गुप्त धन की प्राप्ति या लॉटरी आदि के कारण धन योग बन सकते हैं। 11 नवंबर के बाद कामकाजी जीवन में सफलता तो मिलेगी, साथ ही आपके करियर में उन्नति के योग भी बनेंगे और कार्य में तेजी भी आएगी। चलिए हम बात करते हैं अब स्वास्थ्य की। मेष राशि वालों का इस वर्ष सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु उदर विकार, मतलब पेट के रोग, घात जाने की समस्या जुलाई से अक्टूबर के बीच हो सकती है। खान पान की लापरवाही से शुगर की समस्या बढ़ सकती है, अतः आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इन चीजों से दूर रहें। बात करते हैं धन संपत्ति की। अगर धन संपत्ति के हिसाब से देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए खास रहेगा। वर्ष के शुरुआत में केतु भाग्य स्थान में शनि, गुरु, बुध व सूर्य के साथ होने के कारण धन प्राप्ति के संकेत कर रहा है। केतु के प्रभाव के कारण आपको गुप्त धन मिल सकता है। बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान रखते हुए शेयर मार्केट में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। वर्ष की पहली तिमाही, मतलब फर्स्ट 3 मंथ आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। आप वेतन वृद्धि की उम्मीद काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो इस समय आपको इसमें सफलता मिल सकती है। इस समय आपको नए जॉब का ऑफर मिल सकता है, लेकिन मई के महीने में शनि और गुरु के बकरी होने से आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। सितंबर तक अपने खर्चों में थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं करियर की। करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
वर्ष के शुरुआत में मतलब 24 जनवरी से आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय आप स्वयं को साबित कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का और अपनी स्किल्स का भरपूर प्रयोग कर इस बेहतर समय व अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग अपने बिजनेस में विस्तार करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। मार्च के अंतिम में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी प्रोफेशनल कोर्स विशेषकर कानून के क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। सितंबर तक ये उतार चढ़ाव बने रहेंगे। नवंबर में गुरु के पुनः शनि के साथ आने से सफलता के द्वार खुल जाएंगे, आपके कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी और रुके हुए प्रोजेक्ट भी समय पर पूरे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेम और रोमांस की। इस वर्ष मेष राशि वालों की रोमांटिक लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है। आपके रिलेशनशिप में एक उत्साह एक ताजगी बनी रहेगी और संबंध भी मधुर बने रहेंगे। जो अविवाहित लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं और प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। जो लोग प्रेम विवाह के इच्छुक हैं उन्हें परिवार का सहयोग मिल सकता है। जो अविवाहित लोग हैं और अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है उनका भी किसी खास से मुलाकात हो सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार या फिर कार्यस्थल पर आपको किसी से प्यार हो सकता है, लेकिन मई माह में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। सितंबर के नजदीक आपको अपने रिश्तों की गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। कुल मिलाकर ये साल प्रेम के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं घर परिवार की। मेष राशि को इस वर्ष पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के शुरुआती 3 महीने और अंतिम 3 महीने आपके लिए पारिवारिक मामलों में ज्यादा उलझन वाला रहेगा। 24 जनवरी के बाद सूर्य और शनि एक साथ होना पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद बढ़ाने वाला होगा। मार्च में कोई परिजन आपके लिए सहायक की भूमिका निभा सकता है। किसी महत्वपूर्ण मसले पर घर के किसी बड़े बुजुर्गों का साथ मिल सकता है। 23 सितंबर के बाद आपके किसी पारिवारिक विवाद में उलझने की प्रबल संभावना है। इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि इस समय अपने से कोई ऐसी बात ना करे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। नवंबर के बाद परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, घर परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है। तो चलो ये तो हो गया आपके राशि के अनुसार आपका भविष्यफल, लेकिन मान लीजिए किसी प्रकार से कुछ गड़बड़ होता है तो मैं आपको अब कुछ उपाय बता देता हूँ। उन उपाय के द्वारा आप इन चीजों को सही कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरे तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप चाहें तो मंगलवार के दिन मूंगा धारण कर सकते हैं। फलदार वृक्षों को लगाना आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।